नमस्कार, मैं प्रिया, प्रिया मसाला किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको दही फुल्की सिखाएंगे। ये लखनऊ की बहुत प्रसिद्ध डिश है। इसको लोग रमज़ान में, ईद में, बकरीद में बनाते हैं और बाकी हम लोग स्टार्टर में भी इसको बना सकते हैं, या तहरी है, खिचड़ी है, पुलाव है, किसी के साथ में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप बनाइएगा, इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। दही फुल्की बनाने का आसान तरीका बता रही हूँ कि फटाफट बन जाएगी और स्वाद भी ज़बरदस्त आएगा। अब हम गैस करते हैं और तो धीमा करते हैं। ये मैंने 3 सूखे मिर्चे ले रखे हैं जो हम तवे पे डालेंगे। तवे को हमने धीमी आंच पे कर दिया है। ये कुछ लहसुन मैंने छील के रखे हैं, लहसुन की कलियां, और इसमें ज़ीरा है, ठीक है। इसको भी हम हल्का भूनेंगे। ज़ीरा आधा चम्मच था और आधा ही चम्मच हम नमक भी ले रहे हैं। अब हम इसको चलाते रहेंगे, ना हमारा ज़ीरा जले और ना लहसुन और ना ये सूखी लाल मिर्च। हमने इसीलिए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया है, ये आसानी से भून सके, ठीक है। आंच को तेज करेंगे मगर हाथों को अपने चलाते रहेंगे। ये बहुत टेस्टी रेसिपी लगती है दही फुल्की। आप इसको कभी भी नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं। हम लोग कहीं ईद या बकरीद में मिलने जाते हैं तो वहाँ दही फुल्कियाँ खाने को मिलती हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मन होता है कि हम भी बनाएं इसको और हम भी इसको ट्राई करें। मैं तो अक्सर बनाती हूँ। अब आज के बाद आप भी इसको बनाएंगे और ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। आंच को धीमा रखेंगे, जब तेज़ करेंगे तो इसको चलाते रहेंगे। मिर्चा हो गया हमारा करारा सूखा। देखिए हमारा ज़ीरा भी बढ़िया से भुन रहा है, लहसुन की कलियां भी भुन रही हैं और ये सूखी लाल मिर्च भी अच्छे से हो रही है। आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। बिल्कुल जलने नहीं देंगे। हो गया ये हमारा रेडी। गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए तवे पे छोड़ देंगे कि जिससे ये ठंडा हो जाए। फिर हम इसको मिक्सी के जार में पीसेंगे, ठीक है। एक कटोरी बेसन ले रहे हैं, मैं पैकेट वाला ले रही हूँ, आप खुला बेसन भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ये एक कटोरी भर के बेसन ले लिया है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप 1.5 या 2 कटोरी भी ले सकती हैं। अब जो हमने ज़ीरा और मिर्चा और लहसुन को भूना था, अब इसको हम अपने मिक्सी के जार में डाल लेंगे, ठीक है। आप ठंडाई करने के बाद डालिएगा। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। ये हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, ये हमें दरदरा ही पीसना है। ये देखिए, ये हमें ऐसे ही पीसना है, ये देखिए, ठीक है। ये जो हमने बेसन निकाला था एक कटोरी,
इसमें हम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। थोड़ी सी मिलाएंगे आधा चम्मच हल्दी। आधा चम्मच ये जो मसाला हमने पीसा हुआ है ये डाल देंगे। मसाले में भी नमक है तो इसलिए हम आधे ही चम्मच इसमें नमक भी डालेंगे। अब हम इसको हल्के हल्के फेंट लेंगे। ये देखें, और धीमे धीमे करके इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। इसमें फुटकी ना पड़े। ये देखिए हमारा बेसन अच्छे से फिट गया है। ठीक है, अब हम इसमें आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक कटोरी में डालेंगे पानी। बेसन को डालेंगे। ये देखिए ये ऊपर आ गया। ठीक है, इसका ये मतलब है ये बहुत अच्छे से फिट गया है। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए हम बेसन को ढक के रख देंगे। ठीक है, और 15 मिनट बाद हम बनाएंगे अपनी दही फुलकियाँ। करते हैं थोड़ा सा इंतज़ार। अब हम गैस करेंगे ऑन। ये जो हमने बेसन फेंट के रखा था ये बहुत अच्छे से फेंट चुका है और ऊपर उठ भी चुका है। गैस ऑन कर दी हमने, कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं रिफाइंड जिसमें हम अपनी बेसन की फुलकियाँ डालेंगे। ऑयल हमने डाल दिया है, आंच को हमने तेज कर दिया है। एक भगोने में हमने आधा भगोना पानी चढ़ाया है जिसको हम गरम करेंगे। तेल हमारा हो चुका है गरम। एक बार हम अपने बेसन को हल्का सा फेंटेंगे। ये देखिए ठीक है, इसमें हम पकौड़ियाँ डालेंगे। पकौड़ियाँ हमारी देखिए कितनी अच्छी से फूल रही हैं।
ये देखिए पकौड़ियाँ पक रही हैं हमारी। देखिए बढ़िया सी फ्राई हो रही है हमारी दही फुल्की, इनको हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। और इधर देखिए ये हमारा पानी भी बॉयल हो चुका है, अब हम इसकी गैस कर देंगे बंद। देखिए अब हमारी पकौड़ियाँ हो गई हैं और इनको निकालेंगे। आंच को धीमा कर देंगे और अब हम डालेंगे इसमें। हमारी बेसन की पकौड़ियाँ हो गई रेडी और पानी भी हल्का हो गया है नॉर्मल, तो अब हम इसमें डालेंगे। हम इसमें गरम गरम पकौड़ियाँ नहीं डालेंगे, थोड़ी देर पकौड़ियों को 5 से 10 मिनट तक रख देंगे, उसके बाद जब ये थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी तब हम इस गरम पानी में इसको डालेंगे। पकौड़ियाँ हमने पानी में डाल दी हैं, इनको अच्छे से छन्नी की सहायता से इनको डिप कर देंगे। अब हम अपनी पकौड़ियों को 5-6 मिनट इसमें रहने देंगे डिप, ठीक है, कि अच्छे से थोड़ा सा इसमें पानी अंदर चला जाए। अब ये हमने दही ले रखा है, ये देखिए अब हम इसको डाल रहे हैं और फिर हम इसको अच्छे से फेंटेंगे, ठीक है। आप कोई भी दही ले सकते हैं। इनको अच्छे से मथानी से हम फेंट लेंगे। अब ये जो हमने मसाला बना के रखा था, ये मसाला ये देखिए, ये 1/2 चम्मच हम मसाला डाल रहे हैं। अगर कम ज़्यादा लगेगा तो हम उसको देख लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच ये काला नमक ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, पकौड़ियों के अभी 2 से 3 मिनट और रहने देंगे हम। बहुत अच्छा टेस्ट दही में आ रहा है, अगर आप चाहिए तो थोड़ा सा मसाला और ऐड कर लीजिए। बस मैंने थोड़ा सा करा है, आप चेक के देख लीजिए, कम ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो। हमें थोड़ा सा मसाला कम लग रहा था तो हमने थोड़ा सा ऐड कर लिया है। आप इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा कि आपको कैसा कम या ज़्यादा लग रहा है। और अगर आप दही ले रहे हैं तो अगर आपको दही गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अपनी फुल्कियों को धीमे धीमे हम निकाल लेंगे।
निकल गई हमारी दही फुलकियाँ। ठीक है, हल्के हाथ से फुलकियों को हम हल्के से दबाएंगे। ठीक है, और जिस डोंगे में हमें सर्व करना होगा बस हल्के हाथ से ही दबाएंगे। बाउल में हमें सर्व करना है तो हम उसमें अपनी फुलकियों को रख रहे हैं, बहुत हल्के हाथ से ही दबाएंगे। बहुत स्पंजी हैं, बहुत सॉफ्ट भी हैं फुलकियाँ। देखिए बस हल्के हाथ से दबाते चलिए। ये बहुत टेस्टी लगती हैं, इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये ईद और बकरीद में ही बनती है, आप जब चाहें तो इसको बना सकते हैं। तो चटपटा खाने का मन हो तो आप दही फुलकियाँ बना लीजिए। एक बार हल्के से दही को फेंटेंगे हम, और उसके बाद इन फुलकियों में इसको डाल देंगे। ठीक है, थोड़ी फुलकियाँ इधर बची है हमारी, इनको हम रख देंगे। ये इधर हटा देंगे। इसके बाद एक इसमें लगाएंगे हल्का सा तड़का। रिफाइंड ले लिया है तड़का लगाने के लिए, गैस को ऑन कर रहे हैं, और ये ज़ीरा ले रखा है आधा चम्मच। ठीक है, ये सूखी लाल मिर्च है, ये भी ले ली हमने। इससे हम लगाएंगे अपनी दही फुलकी में तड़का। बनाइएगा ज़रूर, बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसी गर्मी में आप सबके लिए। डालेंगे बहुत ज़रा सी कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, अब हम लगाएंगे अपनी फुलकियों पे तड़का। भाई मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी, मैं तो सोच रही हूँ कि फटाफट एक बाउल उठाऊं और जल्दी से अपनी दही फुलकियाँ खा के टेस्ट करूं कि लग रही है ना शानदार। अब हम इस पे करेंगे हरी धनिया से गार्निश। आपके भी मुंह में आ रहा है पानी, तो बनाइए और ट्राई करिए, आलस मत करिए। जब मेहनत करेंगे तभी मज़ा मिलेगा। देखिए हमने कर दी है इसकी गार्निशिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपने हमारी दही फुलकियाँ करी हैं ट्राई। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।